बताऊं मेरे अजीजों, सच बताऊं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि दुश्मन तुमसे कितना खौफ खाता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के सीनों पर तुम्हारा रौब कैसे डालता है। बस तुम हुजूर की सुन्नतों पर आ जाओ एक बार, फिर देखना किसी लड़ाई की भी जरूरत नहीं, किसी जंग की भी। तुम्हारा चलना फिरना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। आज इस बात से अंदाजा कर लो, इस बात से यहां पर हमारी कौम का हाल ये है, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। कहने को तो 15% है ना, अभी 80 वर्सेस 20 का बड़ा नारा लग रहा था आपके यहाँ, 20% या पूरे हिंदुस्तान में अगर 14% 15% है आप, उसमें भी टूटे बिखरे हुए हैं। और गरीब इतने के गरीबी की रेखा से भी ज्यादा नीचे, और फिर उस पर एजुकेशन का ना होना यह अलग मसला, डिपार्टमेंट में सिस्टम में तुम्हारी नुमाइंदगी नहीं यह अलग मसला, सब टूटा हुआ बिखरा हुआ। और वो कौम जो तुम्हारा नाम लेकर के दूसरों को डरा रही है, उनके पास ताकत भी है, सियासी पार्टी भी है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट ओहदे उनके पास, पुलिस फौज न जाने क्या क्या चीजें, हथियार बम बारूद सब। उसके बावजूद मैं ये पूछता हूँ कि इस 20% कौम से दूसरे लोगों को क्यों डराते, क्यों डराते, जिनके पास कुछ नहीं है, गरीब है, सब टूटे बिखरे हुए हैं, फिर भी अगर सारी ये दज्जाली मीडिया मिलकर के मुसलमान 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 करती है, तो मुझे कभी कभार ये एहसास होता है कुछ बात तो है, कुछ बात तो है। हाँ, मैं अब इसके आगे नहीं बताता, तुम्हारी बेचैनी यूं ही तो नहीं है। अरे 24 घंटे चैनल में सिर्फ हम ही हैं, 24 घंटे चैनल में सिर्फ अजान ही है, हिंदुस्तान में अजान के अलावा कुछ नहीं होता। पहले तो न्यूज में आता था फलां जगह गाड़ी पलट गई, फलां जगह किसी ने खुदकुशी कर लिया, कहीं घर को आग लग गई, कोई नदी में कूद गया। अब तो हिंदुस्तान में ना गाड़ी पलटती है, ना कोई खुदकुशी करता है, ना कहीं आग लगती है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अभी खाली अजान होती है। न्यूज के एतबार से तो यही हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में अभी सिर्फ और सिर्फ हिजाब ही है और कुछ भी नहीं, बाकी दूसरे क्या पहन रहे हैं इससे मीडिया को मतलब ही नहीं। ये दज्जाली मीडिया को हर जगह अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ बुरके दिख रहे हैं, बुरका दिख रहा है, अजान सुनाई दे रही है, ये इस बात की अलामत है मेरे अजीजों। मैं आपको बताऊं, लोमड़ी को अक्सर शेर की आवाज आती है। क्या बात है, वाह, शेर होता नहीं, शेर जंगल में ना भी हो तो लोमड़ी को सोते सोते भी शेर की आवाज आने लगती है और बार बार अपनी बिरादरी में गुस्सा करती रहती है, ये शेर हर वक्त हारता क्यों है, जबकि पता है कहीं शेर है ही नहीं जंगल में, लेकिन लोमड़ी को लगता है ऐसा है, सुबह भी दोपहर में भी शाम में भी, कि ये बार बार शेर पुकार रहा है, कुछ खौफ तो है। इसी को इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामी, इस बात से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आज खुल करके आपके सामने ये अर्ज करना चाहूंगा, आज ये जिस तरह का जहरीला माहौल बना रहे हैं, इसका खुमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। एक बात याद रखें, किसी मोहल्ले में अगर कोई आग लगाता है, आग लगाता है ये सोच करके कि दूसरे के घर जलेंगे, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। अगर उस मोहल्ले में उसका घर है तो उसके घर को भी आग लगेगी। आग लगाने वाला कभी अमन से नहीं रह सकता, और ये सब आग लगाने वालों को
जो जहर भर रहे हैं। मैं कहता हूं आज एक गुस्ताख रसूल मलूना को, जिस तरह पूरे हिंदुस्तान भर में मुसलमानों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया, एहतजाज किया, तो रूलिंग पार्टी ने आज ही निलंबित करने का ऐलान किया। सुना होगा कि पार्टी से निकाल दिया गया, इस बात की अलामत है कि बीजेपी वालों तुम भी समझ रहे हो कि वो गुस्ताखी कर रही थी, गलत काम कर रही थी। पार्टी से निकाला और दूसरे लोगों को ये समझाने की कोशिश किया कि हमारी विचारधारा ये नहीं है किसी के पूर्वजों को या किसी के मुकद्दस शख्सियत का अपमान किया जाए। ये आज मैंने अनाउंस पढ़ा, आज मैंने ये उनकी तरफ से जारी किया हुआ बयान सुना, लेकिन साथ में मैं ये कहता हूं ये जो जितने गुस्ताखी कर रहे हैं ये सब शराबी है, और शराब का अड्डा जो है ये मीडिया है, ये दज्जाल, ये अपने डेस्क पर बुलाते हैं और सर खरीद टट्टुओं की तरह घोड़े मुर्गे लड़ाते रहते हैं। मैं कहता हूं शराबी को मारने से पहले शराब के अड्डे बंद करो। इन पर कोई नहीं कहता, ये जितने न्यूज चैनल वाले हैं इनको कोई पूछता क्यों नहीं कि क्या इनके पास सिवाय मैटर इस्लाम के कुछ नहीं? ये आग लगा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, और उनको बुला बुला करके दावत दे करके बिठाते जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, जो भी मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा उसको ला करके सम्मान दे करके बिठाया जाता है। मेरे अजीजों बहुत हो गया, फिर भी हमारे अखलाक ये हैं, हिंदुस्तान भर के सारे शहरों में से देख लेना, किसी भी आलिम ने, लाखों आलिम मौजूद हैं आज भी, अल्लाह ने सबको जुबान अता की है, लेकिन फिर भी हमने अपने अखलाक से और अपने किरदार से कभी उनके मुकद्दस चीजों को छेड़छाड़ नहीं किया, न भगवानों को गालियां दी हैं। ये दुनिया देख रही है, और तुम बार बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करवाते हो। मैं आज हुकूमत के वक्त से मुतालबा ये करता हूं कि जैसे कार्रवाई अगर तुम अपने कार्यकर्ताओं के साथ करते हो, तो ये शराब के अड्डे चलाने वाले ये दज्जाली मीडिया पर पाबंदी लगाओ कि नफरत का माहौल इन्हीं से फैल रहा है, इन्हीं से पूरा नफरत का माहौल फैल रहा है। आम सादा दिल लोगों को भी आज इन्होंने जहरीला बना दिया। वक्त ऐसा था कि हिंदुओं के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हुआ करते, हर इलाके में, आज भी ऐसा नहीं है कि हर हिंदू कट्टरता का और कत्ल के और मार धाड़ की बातें करता हो। सब उन पाखंडियों की तरह नहीं जो भोंकते हैं, बहुत सारे हिंदू जिनके मुसलमानों से अच्छे ताल्लुकात, लेकिन आज जानते हैं इस मीडिया ने उनके दिलों में भी जहर घोलना शुरू किया, उनको बार बार उत्साहित करना कि तुम हकीकत में हिंदू हो कि नहीं हो। ये आज मेयार बनाया जा रहा है कि मुसलमान के खिलाफ ना बोले तो हिंदू ही नहीं, इस्लाम के खिलाफ ना बोले तो हिंदू ही नहीं। ये जो जहरीला माहौल है इसके खिलाफ मैं मुतालबा करता हूं हुकूमत वक्त को भी कि ये शराब के अड्डे बंद किए जाएं। ये जो मीडिया वाले चला रहे, हर कोई आता है इनके डेस्क पर बैठकर हुजूर की जात पर छेड़छाड़ करके जाता है। मुझे बताओ उस पाखंडी नरसिंहानंद को किसने मौका दिया, ये त्यागी जैसे खबीस को किसने मौका दिया, आज जो बोल रही है भोक रही है इसको कौन मौका दिया? सब मीडिया ही तो मौका देती है, ये न्यूज चैनल ही बुलाते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि इनके खिलाफ भी गम गुस्से का इजहार हो और प्रशासन सख्त से सख्त इनके ऊपर एक्शन ले कि इनके जरिए से नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अगर तुम नफरत ही चाहते हो, तुम लड़ाई चाहते हो, कत्ल व गारत ही चाहते हो, तो फिर डर की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बदरी सहाबा के वारिस हैं। सुभान अल्लाह। अगर तुम इसी तरह दबा दबा के मारना चाहते हो और ये सोचते हो कि ये सारे मुसलमानों को चाकू दिखाएंगे, तलवार दिखाएंगे, बंदूक दिखाएंगे, इनको घरों में बंद कर देंगे, तो कान खोल कर सुन लो, 1400 साल से हमारा हर बच्चा करबला की दास्तान भी सुनता आ रहा है। इमाम हुसैन का नारा लगाने वाला आज भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात फख्र के साथ कहते हैं, अगर मर जाना है इस्लाम के नाम पर, अगर मर जाना है रसूल पाक के नाम पर, हम इसमें ऐब नहीं महसूस करते। अरे ऐब तो वो महसूस
महसूस करे जो चोरी में जाए, रेप केस में जाए, डाका जनी में जाए, अगर नबी की इज्जत पर पहरा देते हुए जान भी चली जाए तो हमारा ये नारा होता है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुनिया ये देखेगी। बस मैं आपके सामने इतना मैसेज देने आया हूँ, इतना मैसेज, पलट आओ उस नुक्ते पर जहाँ रसूलुल्लाह ने हमें छोड़ा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सहाबा को जहाँ मेरे आका छोड़ गए, उस नुक्ते पर वापस आ जाओ। तुम्हें मजीद दुनिया के बड़े बड़े असबाब खरीदने की जरूरत नहीं। अरे तुम्हें अंदाजा है मदीने के 400-500 सहाबा जिनके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं, पैरों में चप्पल नहीं, खाने के लिए खजूर के अलावा कोई चीज नहीं, लेकिन दुनिया में उस वक्त मौजूद दो सुपर पावर ताकतें, पर्शियन एम्पायर जिसको किसरा कहते हैं, रोमन एम्पायर जिसको कैसर कहते हैं, कैसर और किसरा जिनके पास लाखों की फौज थी, अगर वो किसी से डर खाते थे तो ये 400 गुलामों ने मोहम्मद से डर खाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन गुलामों से, इसलिए कि दुनिया को ये पता है कि ये जिस समत निकलते हैं आंधियां अपना रुख मोड़ लेती हैं, ये समंदरों पर चले जाएं तो समंदर अपना सीना चीर कर नबी के गुलामों को रास्ता दे देता है। इसलिए तुम्हारे लिए आज की जरूरत ये है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। आधा तीतर आधा बटेर नहीं, तुम्हारे चेहरे देखे तो कुछ और लगे, जुबान सुनो तो कुछ और लगे। आज यही तो है, नबी के नाम पर नारे तो बड़े जोश के लगाते हो, हुजूर की सुन्नतें और हुजूर के अखलाक अगर मैं तुमसे पूछूं तो आए कहे करते, हुजूर की दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अच्छी नहीं लगती तुम्हें, नाऊज़ु बिल्लाह। अगर हुजूर को तुम सच्चे दिल से मोहब्बत करते हो, एक सवाल का जवाब दे देना, इस कायनात में, पूरी कायनात में मेरे रसूल पाक से ज्यादा हसीन चेहरा किसी का है? नहीं, सुभान अल्लाह। तुम्हारा ईमान ये बताता है जब कायनात का सबसे हसीन चेहरा दाढ़ी वाला था तो तुम किसी और को आइडियल क्यों बनाते हो, किसी और के प्रोपेगेंडे पर क्यों चलते हो? मैं जानता हूँ हमारा नौजवान फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, ये कार्टून देखकर के ये समझता है मैं हीरो बन जाऊंगा, ये जीरो है, हीरो है। हकीकत में तुम्हारा हीरो तो खालिद बिन वलीद है, तुम्हारा हीरो तो सलाउद्दीन अयूबी है, तुम्हारा हीरो तो शहीद टीपू सुल्तान है। हाँ, जिनकी कोई नमाज कज़ा ना होती थी, जिनका कोई हुजूर की सुन्नतों के खिलाफ अमल नहीं होता था, वो हमारे हीरो। तुम इन जहन्नमियों को देखकर इनके पीछे चल गए और इन्होंने तुम्हें कहां से कहां लाकर छोड़ दिया। तुम जानते हो आज ये तो इब्तिदा है, नौजवानों को मैं देख रहा हूँ कानों में बालियां भी आ गई, हाथों में चूड़ियां भी आ गई और बालों में चोटियां भी आ गई। ये दुनिया तुम्हें क्या बना रही है तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अरे मर्द से तुम्हें कहां ले जाकर छोड़ देती है, तीसरी मखलूक बना रही है। ना तुम औरत लग रहे हो, ना मर्द लग रहे हो, बीच के अलग किस्म के लग रहे हो और इसको तुम फैशन समझ रहे हो। इसी को तो बेवकूफी कहा जाता है। तुम्हारे पास रसूल पाक के सबसे आला अखलाक हैं, जिसके अखलाक की कसम कुरान में अल्लाह ने याद फरमाई और अल्लाह ताला उस रसूल के अखलाक को सबसे बुलंद कह रहा है। उस रसूल को छोड़ करके तुम्हें कोई और क्यों नजर आ रहा है? सच बात तो यह है कि जिस दिन तुम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने लग जाओ, अपना खाना पानी, अपना चलना फिरना, अपना उठना बैठना, अपने घर के तमाम मामला नबी को देख देख करके करने लग जाओ, तो फिर किसी और ताकत के जमा करने की जरूरत भी नहीं आएगी, जरूरत भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। मुझे बताओ मेरे अजीजों, आज का वक्त तो लोग ये कह रहे हैं बड़ा सख्त है, इससे भी बड़ा सख्त वक्त था जब यहाँ जगह जगह राजे महाराजे जादूगर थे। उस वक्त मेरे गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अकेले आ रहे थे हिंदुस्तान, कोई फौज लेकर गया है? 7-8 फकीरों की जमात के साथ आए अजमेरे मोहल्ला, क्या हाथ में तलवार लेकर के आए, भाले नेजे लेकर के आए थे? वो और बादशाह थे आए, लेकिन गरीब नवाज चंद फकीरों के साथ आए थे। लेकिन एक बात याद रखो, वो भाले नेजे तलवार चाकू हथियार लेकर तो नहीं आए, लेकिन मेरे आका के इश्क की दौलत लेकर के आए थे।
हुजूर की मोहब्बत लाजवाल लेकर आए थे और उसी का समरा था। वो एक झोपड़ी में बैठे रहे लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम पहुंचाते रहे। आज भी 800 साल गुजर गए, हम में से किसी ने गरीब नवाज को देखा नहीं, हमारे बाप ने भी हमारे दादा ने भी नहीं देखा, लेकिन नाम आता है तो मोहब्बत से हम भी मचल जाते हैं। अजमेर का उर्स का आता है तो जगह जगह से दीवाने उमड़ पड़ते हैं। ये किस बात के लिए? मेरे अजीजो एक बात याद रखना, जहां रसूलुल्लाह का इश्क होता है, आशिक जलवागर होता है, अल्लाह पूरी मखलूक को उसकी तरफ फेर दिया करता है। आज आप करीब बरेली शरीफ के रहते हैं, बरेली के करीब रहते हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा 100 साल गुजर गए बरेली के आशिक सादिक को दुनिया से रुखसत किए हुए, उस इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को गए हुए 100 साल गुजर गए, लेकिन जब भी 25 सफर का दिन आता है बरेली का मंजर देखने के काबिल होता है, अरफात के मैदान की अक्कासी कर रहा होता है। हर इलाके का नौजवान, बंगाल हो कि बिहार हो, कश्मीर हो कि केरला हो, कर्नाटक हो कि राजस्थान हो, गुजरात हो कि महाराष्ट्र हो, हर इलाके का नौजवान, बूढ़ा, बच्चा उस मैदान में जमा होता है। किस बात के लिए? क्या वहाँ मेला लगता है? क्या वहाँ पैसे बढ़ते हैं? क्या वहाँ नेता की जय जय होती है? क्यों आते हैं? अपना खर्चा करके। वहाँ रहने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे, खाने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे, सोने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे। हमने पूछा इन तमाम परवानों से कि तुम क्यों इस तरह टूटे टूटे बरेली पहुंचते हो? तो मेरे अजीजों, फिर रूहों ने जवाब दिया, ये पहुंचते नहीं है, पहुंचाए जाते हैं, ये खुद आते नहीं है, बुलाए जाते हैं। इसलिए कि मेरे नबी से जो सच्ची मोहब्बत करता है वो आशिक जहां होता है परवानों का हुजूम वहां होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। इसीलिए आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करके जाऊंगा, मेरे नबी की मोहब्बत में सच्चे हो जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक को सीने से लगा लो। तुमने सुन्नतें जैसे छोड़ना शुरू किया, दुनिया तुम्हारे ऊपर जालिम अपने पंजे मुसल्लत करना शुरू कर चुकी है। तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी अजानें यूं ही खतरे में नहीं। तुम जब मस्जिदों को आबाद नहीं करना चाहते तो ये मस्जिदें गैरों के हाथों क्यों नहीं जाएंगी? इसलिए ऐ नौजवानों, आज की जरूरत यह है कि इस जलसे के बाद तौबा करके उठे और अहद करके उठे। अगर आज तुम नहीं संभलोगे तो ये आने वाली नस्लें, छोटे जो बच्चे आज तुम्हें नजर आ रही हैं, कल ये थूक करके जाएंगे हमारी कब्रों पर कि ये वो लोग थे जो नबी की शान में गालियां सुन करके भी अब मजे लिया करते थे। इसलिए एहसास पैदा करो, एहसास पैदा करो और आज ही बदल लो अपनी जिंदगी को। शायर ने कहा है, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते खाबे गिराम बदल डालो। और अगर तुम आज नहीं बदलोगे तो अल्लाह ताला इस कौम की हालत कभी नहीं बदलेगा। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। मेरी पूरी तकरीर का खुलासा, मेरी पूरी तकरीर का लुब्बे लुबा हासिल कलाम इतना है जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी का मैसेज है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं हर नौजवान से आज यह अहद लेकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। ऐ नौजवानों, इतनी बेदारी तो रखो, इतनी बेदारी तो रखो। बाहर कोई चिल्लाया तो हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुले, दरवाजा खटखटाया तो हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुले, मोबाइल की घंटी बजाया हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुले, लेकिन इतनी बेदारी जरूर रखना कि अगर कोई नबी की शान में भौंका तो कैसी गहरी नींद क्यों ना हो, उठकर खड़े हो जाओ और दुनिया को बताओ, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल दे दे। ये आपसे ये अहद लेता हूँ मेरे अजीजों, ए सुन्नियों, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी अजमत पर कुर्बान होने के लिए हर बच्चा तैयार है इंशाल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला इन जालिमों को तू खाकिस्तर फरमा दे, जो नबी पाक की शान में भौंकते हैं मौला उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचा दे। इलाल आलमीन इन जालिमों को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दे, इस्लाम नगर में इस्लाम का बोल बाला फरमा दे। ए करीम खुदा इन सुन्नियों के चेहरों को हरा भरा फरमा दे, इन बच्चों और नौजवानों में गाजिया ने इस्लाम और मुजाहिदीन इस्लाम पैदा फरमा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपके इस इदारे में यहाँ पर